तो गाइस आज के इस मंडे नाइट रॉ पर यहाँ पर सोलो सिको भी दिखाई दिए जी ओसो के साथ, और ये कि यहाँ पर ब्लड लाइन टीम आने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर जी ओसो को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद फाइनली आज के इस मंडे नाइट रॉ पर जी ओसो अपना यहाँ पर टाइटल हार चुके हैं, वो भी ब्रॉन ब्रेकर के साथ। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ हुआ आज के इस मंडे नाइट रॉ पर और यहाँ पर ब्लड लाइन ने क्या यहाँ पर जी ओसो के साथ। तो शो की शुरुआत होती है यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर के साथ। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर सीधा रिंग में आ जाते हैं और यहाँ पर वेट करते हैं जी ओसो का। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर जी ओसो का भी एंट्रेंस देखने को मिलता है और यहाँ पर जी ओसो भी यहाँ पर एंजॉय के साथ जाते हैं रिंग में। तो सीधा रिंग में आने के बाद इनके यहाँ पर मैच के स्टार्टिंग होते हैं। स्टार्टिंग में तो ब्रॉन ब्रेकर इनको काफी पीट रहे होते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय बाद यहाँ पर जी ओसो भी उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और उसके बाद अपने यहाँ पर फिनिशर मूव लगाने लगते हैं। और तभी गाइस यहाँ पर सोलो सिको ब्लड लाइन टीम को देखकर यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये सब यहाँ कैसे। उसके बाद यहाँ पर जी ओसो जब उनसे पूछने जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर सोलो सिको उनसे कहते हैं कि हमारे पास टिकट है। उसके बाद यहाँ पर सोलो सिको उनसे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी पर जी ओसो उनका एक बात भी नहीं मानते। यहाँ पर जी ओसो उनसे यहाँ पर बहस करने लगते हैं सोलो सिको से, और तभी वहीं पीछे से वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर जी ओसो ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर दूसरी साइड टामा टोंगा और टामा लोंगा भी आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जी ओसो ने उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और गाइस ये देखने के बाद यहाँ पर सोलो सिको काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग आए हैं तुम्हारे यहाँ पर मदद करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से इनके बीच काफी ज्यादा बहस देखने को मिलता है, जहाँ सोलो सिको उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। पर यहाँ पर जी ओसो को उनके ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो, बोलते हैं कि तुम लोग सीधा वापस चले जाओ यहाँ से। उसके बाद गाइस यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर पीछे से आकर यहाँ पर सोलो सिको के एक स्पीयर लगा देते हैं, और तभी गाइस वहीं जैको फातू बगल में खड़े यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाते हैं यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। और गाइस तभी यहाँ पर जैको फातू और ब्रॉन ब्रेकर के बीच आमना सामना देखने को मिलता है। यहाँ पर जैको फातू काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस लग रहे थे, दोनों लोग यहाँ पर रिंग के बाहर खड़े हुए थे। तभी यहाँ पर जी ओसो उनके ऊपर से स्प्लैश लगा देते हैं, और तभी गाइस वहीं एडम स्पीयर आ जाते हैं और वहाँ पर टामा टोंगा और टामा लोंगा को सिक्योरिटी बुलाकर वापस भेज देते हैं। हालांकि वो वापस जा नहीं रहे थे, पर यहाँ पर सिक्योरिटी उनको फोर्स करके वापस भेज देती है। उसके बाद गाइस यहाँ पर शॉकिंग मोमेंट तब देखने को मिलता है जब जैको फातू यहाँ पर सुपर किक लगा देते हैं जी ओसो को। उसके बाद यहाँ पर जी ओसो को उठाकर यहाँ पर टेबल के ऊपर ही पटक देते हैं, और यहाँ पर टेबल के ऊपर यहाँ पर जी ओसो काफी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और गाइस तभी यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर काफी आसानी से मौका पाकर यहाँ पर रिंग में लेके जाते हैं जी ओसो को और एक सुपर स्पीयर लगाकर इस मैच को काफी आसानी से जीत जाते हैं। तो गाइस इस प्रकार जी ओसो अपना इंटर कॉन्टेंटशिप यहाँ पर लूज कर देते हैं। वैसे गाइस ये तो होना ही था, यहाँ पर से एक टर्निंग पॉइंट लेगा जहाँ जी ओसो यहाँ पर साथ देंगे रोमरिज और जिमी ओसो का।